गुड मॉर्निंग क्लास 11, आपका क्या है, कल को टेस्ट है बायोलॉजी का, उसी के बेसिस पर क्या है जो आपका आखिरी टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4। तो उसके लिए हम रिवीजन वीडियो लाए हैं, ठीक है जी, जो आपकी रहेगी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल के ऊपर और एनिमल किंगडम के कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर। तो जो गिनको बाइलोवा है वो क्या है, नेशनल प्लांट है, किसका, चाइना का, और ये कैसा है, बहुत ज़्यादा बद्दा होता है। जिम्नो का मतलब होता है नेक, ढके हुए, और स्पर्म का मतलब है सीड, कि वो प्लांट्स जिनके बीज कैसे हैं, ढके हुए। ये क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेस शो करते हैं ये प्लांट्स। ये क्या है, डिवाइड है 3 भागों में, इनमें जड़ें हैं, तना है और पत्तियाँ हैं। रूट्स कैसी हैं, ज़्यादातर टैप रूट्स है, और टैप रूट्स आगे क्या है बच्चों, टैप रूट्स कैपेबल होती है आगे न्यू प्लांट को बोन्ड करने के लिए। लीव्स वेल आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, और जो इनकी पत्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा अडेप्टेड है, ढल चुकी है, कि वो कितने भी ज़्यादा हद में अगर क्या है बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, भयानक कंडीशन आ जाए, उनमें भी ये जिंदा रह सकती है। वो भयानक कंडीशन क्या हो सकती है, तापमान बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और हवा बहुत ज़्यादा, तूफान तक आ सकता है, हवा बंद हो सकती है, उनमें सब में ये जी सकते हैं। इनके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कोनीफर्सोपीडा, इसके क्या क्या हैं, पाइन्स, फर्स, स्पर्सिस, रेडवुड्स, सिडार, जूनिफर्स, टूजा, जिनिटोपोसीडियम, जिनिटम, वेलविशिया एंड एफिड्रा, ठीक है जी, और साइकोडोपीडिया में जैमिया, पाइगमिया, जेमिया पाइगमिया एंड साइकस। जो जेमिया पाइगमिया है ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, इसकी हाइट कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, कितनी, 25 सेंटीमीटर। साइकस की जो रूट है उसके अंदर क्या है, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि नोस्टोक और एनाबीना, ठीक है जी। वो रूट्स, वो जड़े जो क्या है आगे बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो गई हैं, जिनने अपनी शाखाएँ बना ली हैं काफ़ी सारी, और सुपरफिशियल है, उन्हें हम कोलोराइड रूट्स कहते हैं। कौन सी, कोलोराइड रूट्स। जो पाइनस रूट्स हैं वो हार्बर फंजाई हैं, और क्या है, माइकोराइजा बन जाती हैं। पाइनस की रूट्स क्या है, हार्बर फंजाई हैं, और आगे क्या बन जाती है, जो फंजाई क्या है रूट्स के साथ एसोसिएशन कर लेगी, क्या फॉर्म करेगी, माइकोराइजा, ठीक है जी, माइकोराइजा। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, ग्लूमस, क्या, ग्लूमस। जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, सिक्विया, सुकिया, जिसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं, और इसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। साइकस को जिंदा अवशेष भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, चरित्र हैं, किसके, विलुप्त हो चुकी ट्रीडोस्पर्म्स और साइकेड्स की प्रजाति के, ठीक है जी। जो गिनको बिलोबा है उसको भी हम जिंदा अवशेष कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हजारों सालों से ये बिल्कुल भी नहीं बदला है, इसकी आज भी वैसी की वैसा ही ये दिखता है, जैसे कि ट्राइसिक पीरियड में पाए जाते थे वैसे ही ये आज भी पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैच्योरिटी में क्या है कि कुछ लीव्स मॉडिफाई हो गई और क्या बना लिया उन्होंने, स्पोरोफाइल्स बना लिया अपने। मैंने आपको बताया था कि लीव्स के ऊपर क्या है बच्चों, दाने आ जाएंगे, ठीक है जी, ऐसे ये दाने आ जाते हैं, और इस लीव को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइल, जिसके अंदर क्या आते हैं, स्पोर्स आ जाते हैं। स्पोर्स बियरिंग लीव्स या स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइल, ठीक है जी, क्या कहते हैं, स्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स में क्या क्या है, आर कम्प्लीटली अरेंज, किस में अरेंज हो गई है, कॉन्स में और स्ट्रॉबेरी में, ठीक है जी। ये हीटरोस्पोरस है, हीटरोस्पोरस है यानी मेल और फीमेल क्या है, साइज में छोटे बड़े होंगे। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, छोटे तो माइक्रोस्पोर्स मेल में, ठीक है, और लार्जर मेगास्पोर फीमेल। स्पोरोफाइल्स, अभी वही बात मैंने आपको बताई कि हीटरोस्पोरस है, दो टाइप के होंगे, मेल को कहा गया माइक्रोस्पोरोफाइल और फीमेल को मेगा स्पोरोफाइल। तो माइक्रो में क्या है, मेल कौन, और ठीक है जी, फीमेल कौन। स्पोरोफाइल में क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया क्या मियोसिस के अंदर जाएंगे, क्या बनाएंगे, मैंने कहा था स्पोर मदर सेल बनाएंगे, और स्पोर एमएमसी जब भी बनाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और एमएमसी होते क्या होती है बच्चों, मियोसिस, जब भी मदर सेल बनेगा तो क्या बनेंगे, स्पोर्स कैसे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू, ठीक है जी। जो मेगा स्पोरेंजिया है, जो ठीक है जी फीमेल सेल है, उसके अंदर क्या है, वो एक बॉडी की बनी है, जिसके एक बॉडी उसके अंदर पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस, और इसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट करता है, इंटीग्यूमेंट्स, इस जो इसको बाहर से कवरिंग करके रखता है उसे कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। विद इन न्यूक्लियस देर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन मदर स्पोर्स, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या, ये किस में डिवाइड हो जाएगा, एक मेगा
स्पोर मदर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल में, और जो दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उनमें क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है जी, तो वही अब इसमें होते कि इसकी लाइफ साइकिल देखो। अब जिम्नोस्पर्म क्या होगा, एक मेगा स्पोर मदर सेल में डिवाइड हो जाएगा, एमएमसी में होगा, तो जब भी मदर सेल बनेगी तो क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होकर तीन वो क्या करेंगे, तीन मेगा स्पोर बना देंगे, उन तीनों में से क्या करेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए, चार हो गए, टेट्रेट बना दिया, चार मेगा स्पोर, जिसमें तीन तो क्या हुआ, डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए और एक रह गया। ठीक है जी, फंक्शनल मेगा स्पोर अंडरगोज, और जो ये फंक्शनल जो एक रह गया है फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये क्या करेगा, बार बार एक रिपीटेड प्रोसेस में माइटोसिस करेगा और क्या है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। ठीक है जी, जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, माइक्रोस्पोर होंगे और आर्चिगोनियम। माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, दो से आठ आर्चिगोनिया होंगे, बिकम डिफ्रेंशिएटेड, डिवाइड हो जाएंगे और हर एक के अंदर क्या है, आर्चिगोनिया में, ठीक है जी, फीमेल गैमेटोफाइट होगा और ये मेल और फीमेल मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट। ठीक है जी, जो येलो सावर होती है सल्फर की, वो किसके कारण होती है, पोलन्स के कारण, किसके कारण, पोलन्स के कारण। ठीक है जी, वही है लाइफ साइकिल देखो, माइक्रोस्पोर आए, मेगास्पोर ने क्या करा, माइटोसिस करी, क्या बना दिया, एमएमसी। ठीक है जी, फीमेल गैमेटोफाइट आ गया, माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेट पोलन्स आए, पोलिनेशन के थ्रू मेल और फीमेल दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है बच्चों, ठीक है जी, फिर क्या होगा, जाइगोट आ जाएगा पेरेंट कॉर्न स्केल के अंदर, माइटोसिस होगी, एम्ब्रोय आ जाएगा सीड के अंदर, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बन जाएगा माइटोसिस के द्वारा। फिर ये दोबारा क्या प्रोड्यूस करेगा, दो मेल और फीमेल कॉर्न स्केल प्रोड्यूस करेगा। मेल से तो क्या होंगे, ये सारी लाइफ साइकिल डिप्लॉयड है, लेकिन जब मेल कॉर्न आगे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है तो क्या होती है, मियोसिस हो जाती है तभी, और ये क्या है, हैप्लोइड आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लाइफ कैसी है इसकी, प्लांट बॉडी भी कैसी है, डिप्लॉइड है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो कनेडा बालसम है वो ऑब्टेंड होता है एबिस्कस बैलेसेमिया से, जो यूज होता है टू मेक परमानेंट स्लाइड, किसमें, लैब्स में। सागो एक वाइट पाउडर है जो ऑब्टेंड होता है इसे जिम्नोस्पर्म के तने से। ठीक है, सॉफ्टवुड है जो जिम्नोस्पर्म की, उनको हम क्या, माचिस की तिल्लियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना, एंजियन का मतलब होता है कंटेनर कोई भी, ठीक है, या वेसल बर्तन या कोई भी वेसल, और स्पर्मा सीड। ठीक है जी, दो सीड्स, ठीक है जी, जिनके अंदर क्या है, जंगा होगी। एंजियोस्पर्म्स या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो फूलों वाले पौधे हैं, उनके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स क्या हो गए, विकसित हो गए। ठीक है जी, फूल, ठीक है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हमने कहा फ्लावर। ठीक है जी, फ्लावरिंग प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स में क्या है, ओव्यूल्स तो क्या है, ओवरी के अंदर एनक्लोज रहते हैं, और जबकि सीड्स किस में रहते हैं, फ्रूट के अंदर। ठीक है जी, तो ओवरी तो क्या बन जाएगी, ओवरी से बनेगा आपका बी सीड, और ओव्यूल से बनेगा फ्रूट। दो जो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट्स का, जो ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो धरती पर पाया जाता है, इसकी लगभग 270,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 220,000 तो डाइकोट है और 50,000 मोनोकोट। इनमें क्या है, जो वेस्कुलर टिश्यूज है जाइलम फोइलम क्या है, वो ट्रूली डिवोल्ट हो चुका है, और जाइलम भी आगे डिवाइड हो चुका है, जाइलम के क्या पार्ट आ गए, वेस्टियम, और फ्लोएम के साइड ट्यूब्स आ गई है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वोल्फी, और सबसे बड़ा है यूकेलिप्टस, जिसे हम सफेदा भी कहते हैं। इन्हें बीजों के क्या, कोटिलीडन के हिसाब में दो में बांटा जाता है, दो क्लासेज में, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। मोनोकोट्स तो वो होंगे जिनमें क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा, और डाइकोट्स जिनमें टैप रूट पाई जाएंगी। मोनोकोट्स की लीफ कैसी होंगी, सीथिंग लीफ बेस होगा, जबकि इनकी पिटोइल होंगी। ठीक है जी, लीफ के नीचे क्या है, तने से जुड़े हुए मोटा सा क्या होगा, बीच में एक डंडी होगी। लीव्स क्या है, पैरेलल विनेशन शो करती हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसे पैरेलल विनेशन, जबकि इनकी रेटिकुलेट विनेशन, आगे लीव्स में क्या है, ब्रांचेज होंगी। ठीक है जी, फ्लावर्स इसके कैसे होंगे, ट्राइमेरस होंगे, यानी 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे इनके पेटल्स पाए जाएंगे, जबकि डाइकोट में फूल 5 या 4 ही पाए जाते हैं। इनके सीड में सिर्फ एक ही कोट होगा, जबकि डाइकोटिलीडन में 2 कोट होंगे। इनमें फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है रिप्रोडक्शन का। फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है, मेल पार्ट जिसमें स्टेमन कहते हैं, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन, ये फिलामेंट है। ठीक है जी, और सेकंड क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, डेन स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा में पोलन आएंगे, ये रिसेप्ट करेंगे, डेन स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में जाके फ्यूज हो जाएगा।
तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर का स्टेमन, स्टेमन और किस किस का बन कल बड़ा है, फिलामेंट और एंथरा। फिलामेंट क्या एक लंबी और पतली डंडी और एंथर क्या है और टाइल पार्ट है जो पोलन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, ठीक है जी। देखो दो लोब है, एक और दो, ठीक है जी, दो लोब से जो क्या है अलग भी है और एक दूसरे से चिपकी हुई भी है, ठीक है। ईच अनदर, हर एक लोब में क्या है, दो ठीकिया होते हैं, एक दो, हर थीकिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है जी। और एंथर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिया है, चार है, ठीक है जी। फिलामेंट के अंदर क्या है, कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल, बंडल्स है जिसके अंदर पोलन सैक्स है, एक दो तीन चार। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये इसका, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसका एक डायग्रामेटिकल व्यू है। ये वो जगह है जहाँ पर क्या है पोलन रिलीज होते हैं, यहाँ पर क्या है एंथर क्या रिलीज करता है पोलन्स को। अब पोलन के अंदर क्या क्या होंगे, पोलन्स की बाहर टेप्टम की एक कवरिंग होगी, एक फाइब्रस लेयर की, और सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस होगी। तो ये पोलन क्या करेंगे, पोलन मदर सेल बनाएंगे जो डिप्लोइड है। मैंने बताया था मदर सेल बनती क्या होगी, म्योसिस होगी, म्योसिस होगी, चार पोलन्स बनेंगे जो अलग अलग हो जाएंगे और चार पोलन ग्रेन्स का जन्म कर देंगे, ठीक है जी। एंथर क्या है, क्लोज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, जबकि माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज म्योसिस टू फॉर्म माइक्रो, वही बात की एंथर क्या है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल म्योसिस करके क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है जो कि इसमें पोलन ग्रेन्स में डिवाइड हो रहे हैं। एंथर किसके, एंथर को कवर करके रखती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम, मैंने अभी आपको बताया था। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है जी। पिस्टल, इसको हम कहते हैं पिस्टल, पिस्टल किस किस का बन मिलकर बना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओव्यूल इज फिटेड इनसाइड द ओवरी इनटू अ गैप, ओव्यूल क्या है, ये ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर एक गैप में फिटेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं, क्या, लोक्यूल, ठीक है जी। ओव्यूल या फिर माइक्रो मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल किसके अंदर पाया जाता है, ओवरी के, और ये किसी प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय मीन ऑफ स्टाक, किसके द्वारा, स्टाक के द्वारा, डंडी के द्वारा, जिसे हम फुनिकल कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या करेगा, ओव्यूल से एक पॉइंट पे क्या है मिल जाता है बिल्कुल ही, जिसे हम उस पॉइंट को हीलियम कहते हैं। ओव्यूल क्या है, एक इंट्रिग्यूमेंट से सरेंडेड होगा, जैसे कि हायर कोर्ट्स में पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे वन इंट्रिग्यूमेंट, और जब क्या है मोनोकोट्स और प्रीमेटिव डाइकोट्स में पाया जाता है, जब क्या है दो इंटीग्यूमेंट से वो अटैच होगा तो उसे हम बाइटेमिक ओव्यूल कहेंगे। आर्चिस्पोरियल सेल, आउटर प्राइमरी बाल वॉल होती है इनके अंदर, ठीक है जी। जो इनर स्पोरेंजियस सेल है जो क्या है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, क्या इनर जो अंदर स्पोरेंजियस सेल है वो डिफ्रेंशिएट डिवाइड होगी, क्या बना लिया, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल एमएमआर बनाती है, क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो जो मेरिस्टमेटिक सेल है वो क्या बना लेंगे, बड बना लेंगे, जिन्हें हम आर्चिपोरियल सेल भी कहते हैं। इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस होती है, मेगास्पोर मदर सेल बना, फर्स्ट सेल था फीमेल गैमेटोफाइट का, पहली माइटोटिक डिवीजन हुई, दो न्यू क्या बना लिया इन्होंने, न्यूक्लियर एम्ब्रियोसैक बना लिया, फिर दो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हुई और आठ न्यूक्लियर एम्ब्रियोसैक बना लिए, ठीक है। इसमें दो एंड होते हैं बाहर, ठीक है। टोटल कितनी सेल हैं इसके अंदर, तीन चार पाँच छः सात, सात सेल इसके अंदर हैं। एंटीपोडल एंड होता है, चार्जल एंड में एंटीपोडल्स पाए जाते हैं, अंदर दो पोलर न्यूक्लिया होंगे, दो पोलर न्यूक्लिया बनाएगा और एक क्या बनाएगी बच्चों आपका, एक बनाएगा मेगास्पोर सेल, ठीक है जी, ओवम ओवरी, ठीक है जी। विद इन द ओव्यूल यहाँ पे क्या है, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, पोलर न्यूक्लिया फ्यूज होकर क्या बना लेती है, डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लिया। पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन्स का एंथर से पिस्टिल की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफरी क्या कहलाता है, पोलिनेशन, और ये क्या कौन करते हैं, पोलिनेटर। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो रही है टू प्रोड्यूस यंग वन, उसे हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट क्या है फ्यूज कर रहा है एग सेल से और क्या बना रहा है, जाइगोट, जबकि अदर मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिसे हमने पोलर न्यूक्लियाई भी कहा, और प्रोड्यूस कर रहा है ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, ठीक है जी। तो पोलन न्यूक्लियाई का काम क्या है, जब दो पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो एक तो क्या कर रहा है एग के साथ फॉर्म होकर जाइगोट बना रहा है, और दूसरा पोलन न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म होकर ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बना रहा है। इन दो इस तरह से इस फ्यूजन में दो पोलन ग्रेन्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण से
डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होगी, सिनगैमी हुई, मेल और फीमेल गैमेट मिले और क्या बना लिया, जाइगोट। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, दो पोलर न्यूक्लियर और एक दूसरे मेल गैमेट ने मिलकर बना लिया एंडोस्पर्म, या फिर उसको हमने क्या कहा था, पेन भी कहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो के लिए अपने अंदर फूड को स्टोर करेगा, ठीक है जी। ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड, और ओवरी क्या बना रही है, फ्रूट। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। तो लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसी होती है प्लांट्स में, प्लांट्स क्या है, बोथ हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा। ये एबिलिटी की डिफरेंट पार्ट्स बॉडी बनाना क्या है, हैप्लोइड और डिप्लोइड, ठीक है जी। इसमें बच्चों मेन होता क्या, आपको बता देता हूँ। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगी, जो प्लांट बॉडी की लाइफ है वो कैसी रहेगी, ज़्यादातर हैप्लोन्टिक रहेगी। स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगी, सिंगल सेल जाइगोट होगा, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होंगे। म्यूसिस होगी जाइगोट के अंदर, और फिर क्या बना रहे, हैप्लोइड स्पोर्स। इसमें क्या, गैमेटोफाइट ने क्या करा, गैमेटोजेनेसिस करी और गैमेट्स बना दिए मेल और फीमेल, ठीक है। दोनों कैसे हैं, हैप्लोइड। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया डिप्लोइड, और जाइगोट बनती ही क्या हो गई, म्यूसिस। म्यूसिस होकर नंबर ऑफ सेल्स फिर रिड्यूस हो गए, क्या बना, हैप्लोइड स्पोर्स। और वो हैप्लोइड स्पोर क्या कर रहे हैं, हैप्लोइड प्लांट बॉडी बना रहे हैं। तो डिप्लोइड फेज क्या है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए रहता है इसके अंदर, इसलिए इसे हम हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और डोमिनेंट फेज भी क्या है, हैप्लोइड ही है, और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। इसके एग्जांपल है कुछ एल्गी जैसे वोल्गोस, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा और क्लाइमेडोमोनस की कुछ स्पीसीज। डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बच्चों, जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो डिप्लोइड होती है, ठीक है जी। वो क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। वो स्पोर्स क्या है, म्यूसिस करके क्या कर देंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेट आएंगे, सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होते, फिर से क्या है, डिप्लोइड जाइगोट बन जाएगा, और वो क्या बनाएगा, एक डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक बॉडी बना देगा। तो इसकी जो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लोइंटिक कहते हैं। और ये फेस जनरली किस में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस है वो लाइफ का, वो क्या है, स्पोरोफाइटिक है, ठीक है। हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बच्चों, जो गैमेटोफाइट है वो गैमेटोजेनेसिस करके क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं मेल फीमेल। सिनगैमी होगी तो वो कैसे होगी, डिप्लोइड। और डिप्लोइड जाइगोट क्या करेगा, एक डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बना देगा। वो प्लांट बॉडी क्या करेगी, म्यूसिस करेगी और क्या करेगी, हैप्लोइड स्पोर्स बना देगी। हैप्लोइड स्पोर्स फिर गैमेट बनाएंगे, फिर वो क्या करेगा, डिप्लोइड जाइगोट, डिप्लोइड प्लांट बॉडी। ऐसा किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में और ट्रीडोफाइटा में। इनके अंदर क्या है, जो डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेस है वो तो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। कुछ में तो इसमें क्या होता है, कुछ में तो क्या होता है, प्लांट बॉडी हैप्लोइड होती है, इंडिपेंडेंट फेस हैप्लोइड है, गैमेटोफिटिक है। जबकि कुछ में क्या है, इंडिपेंडेंट फेस क्या है, जो डोमिनेंट फेस है स्पोरोफाइटिक है, ठीक है जी। और कुछ में क्या है, स्पोरोफाइटिक कुछ समय के लिए चलते हैं। ऐसे पैटर्न को हम हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। सभी ट्रीडोफाइट्स क्या है, इसी लाइफ साइकिल को शो करते हैं। देन एनिमल किंगडम को किसने दिया था, आर एच विटकर ने। 5 किंगडम दिए थे, ठीक है, जिसमें था सबसे आखिरी एनिमल। ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है जी। तो एनिमल किंगडम में क्या है, 11 फाइलम आते हैं। कितने, 11 में कौन कौन से, पोरीफेरा जो आपके पानी में रहते हैं। इसमें जो कल आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा वो है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इनकी। तो 10 बेसिस की क्लासिफिकेशन है। सबसे ऊपर ही सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पे 3 हो सकते हैं, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल में मैंने बताया था कि जब क्या है, किसी भी प्लेन से क्या है क्रॉस सेक्शन जाएगा तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एसिमेट्रिकल में उसकी बॉडी दो हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगी। बाइलेटरल में क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन से उसकी बॉडी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगी, ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल की। कुछ तो क्या थे, सिर्फ सेल्स लूजली लूजली अरेंज थे, तो उसे हमें लूजली सेल एग्रीगेट लेवल कहा था। जब क्या है, सेल्स ने अरेंज करके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना लिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। और जब टिश्यू ने आगे क्या करा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना लिया, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जैसे हायर एनिमल्स के अंदर आता है। देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट क्या होगा, जब माउथ ही एनएस की तरह एक्ट करेगा। कंप्लीट जब बॉडी के पास दो ओपनिंग है, एक माउथ के लिए और एक एनएस के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज टाइप का होगा। ओपन टाइप जब होगा, जब क्या है, ब्लड क्या है, हार्ट से बाहर शरीर के अंदर जा रहा है और सभी टिश्यूज में डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी
आगे डिफ्रेंशिएट क्या है, ट्रांसपोर्टर नहीं है, वेसल्स नहीं है, ट्यूब्स नहीं है, साइप्स नहीं है, और क्लोज टाइप में क्या होगा कि जब क्या है ब्लड सर्कुलेट होगा वेसल्स के थ्रू और वेसल से किसी आर्टरीज कैपिलरीज और वेन के थ्रू क्या है अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। हार्ट क्या है डिवाइडेड होता है चैम्बर्स में, ओपन टाइप और क्लोज टाइप में, ठीक है जी। जर्म लेयर क्या है, वो लेयर्स जो क्या है गैस्ट्रूला से बनी है, द लेयर्स ऑफ गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला की वो लेयर्स ये एम्ब्रोई सैक की जिसने क्या करा सारा बॉडी ऑर्गन बना दिया उसको हमने क्या कहा जर्म लेयर। ये दो टाइप की होती है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जैसे स्पॉन्जी सीलेंट्रेट्स में सेल्स होते हैं, रेंज होते हैं एम्ब्रोनिक लेयर में, आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंडर लेयर को अंदर वाली को एंडोडर्म, और बीच में क्या है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब ये मेसोग्लिया क्या है अपने आप को डिवेल्प कर देगी और एक लेयर बना लेगी तो टीसी लेयर आ गई, बीच में मिडल लेयर मेसोडर्म, तो वो एनिमल्स जिनमें क्या है तीनों लेयर्स पाई जाती है फ्लैटवर्म से मैमल्स तक, ठीक है। एम्ब्रोई ने तीसरी लेयर भी बना ली जिसे मेसोडर्म कहा गया, बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, ठीक है जी। बॉडी कैविटी मैंने आपको बता दी थी। अकोलिमेट्स क्या होते हैं जैसे इनवर्टिब्रेट्स फ्लैटवर्म्स तक जिनके अंदर क्या है बॉडी कैविटी होती नहीं, बॉडी वॉल और क्या है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो अकोलिमेट्स। सूडोकोलिमेट्स कौन से होंगे जिनमें स्पेस प्रेजेंट होगा पर पेरिटोनियल लाइन से लेयर नहीं होगा, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म के साथ लाइन नहीं होती। एकोलिमेट्स में क्या होता है कि बीच में जैसे ह्यूमन बॉडी में अंदर क्या होती है ये क्या है बॉडी फ्लूइड है और ये आपकी बॉडी वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल और इसके बीच में जो ये जगह इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। सो बच्चों यही तक आपके कल के टेस्ट में आएगा, सो गुड लक फॉर टुमारो टेस्ट।